Namaskar and good evening everyone. Welcome back to Artist Showcase. आज के हमारे कलाकार एक बहुत इंटरेस्टिंग यंगस्टर हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हमें एक मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे यंग टैलेंट जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को परस्यू कर रहे हैं हम उन्हें प्रेजेंट कर पा रहे हैं. इसके साथ हमें यही एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि क्लासिकल म्यूजिक का आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है एंड हमें यही उम्मीद है कि हमारे यंगस्टर्स जो आज बजा रहे हैं और जो पिछले शो में भी थी और जो इस शो में भी है ये इसको बहुत सीरियसली आगे परस्यू करेंगे. सो आज के जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आपको मैं उनके विषय में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. सॉरी द लैंग्वेज इज़ ऑल मिक्स मीडियम. सो आई वुड लव टू शेयर लिटिल बिट अबाउट आर आर्टिस्ट फॉर टुडे सुहेल अली खान. बिफोर आई टेल यू आई रीड अ लिटिल बिट अबाउट हिज बायो आई टेल यू आई मेट सुहेल ही was part of Parikrama and he had come to Kasauli, to our Kasauli Rhythm and Blues Music Festival. And he was playing a piece, a fabulous piece he was playing when Luke Kenny was performing. And that piece kind of caught my attention. Why? Because there was a lot of creativity in that piece, a lot of vibrancy in that piece. There was an unusual sound that his violin was creating. So it was wonderful ki Suhail got in touch and said, ki, I would love to come on Artist Showcase. एंड सुहेल के बारे में मैं सबको थोड़ा सा बताना चाहूँगी. सो सुहेल अ चाइल्ड प्रोडिजी हैड हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस इन नेशनल बाल भवन एंड ही गॉट द फर्स्ट प्राइज फॉर दिस कॉन्सर्ट. दिस इनकरेज हिम टू परस्यू हिज पैशन एंड वर्क ऑन बिकमिंग अ सीरियस वायलिनिस्ट. रिनाउंड फॉर हिज यूनिक स्टाइल इन वायलिन स्किल्स सुहेल जॉइन द आइकॉनिक इंडियन रॉक बैंड परिक्रमा इन 2018 and has been consistently playing with them since then. He has had the opportunity of experimenting with different styles and sounds of the violin. All I can say is that we have a very young and very talented artist, Suhail Ali Khan. Before, just when I was about to invite him on the stage, he seems to have got dropped. I think it's the rains in Delhi that's causing huge internet issues. So the good thing is that he specially sat because we knew this internet issue was going to happen. So he sat and he pre-recorded some pieces for us for today. I would have been happy if he came up just now and he spoke about these pieces himself. But I think let's just get started. What he's done is he has explained the rag and the flow of the rag. He's first played the alap as one piece and then the gut as one piece and then the jhala as one piece. So I'd be happy to share those. And then maybe later Suhail can come and, oh, he's back. So let me welcome him on stage quickly and then let's start with the alap. Namaskar, Suhail. Hello, ma'am. How are you? Bilkul theek. Artist Showcase par aapka bahut bahut swagat hai. Thank you. It's an honor for me. Aapka drop-off ho gaya tha, isliye main almost shuru karne wali thi. So, lekin abhi main... जी सो आप थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहेंगे कि आज आपने क्या रिकॉर्डिंग करके भेजा है तो जो अभी हम फटाफट अभी सुनाएंगे सबको कौन सा राग है और आप कौन से घराने से हैं उसके बाद हम फिर बाद में बातचीत करेंगे. ओके सो शुड आई स्टार्ट. बिल्कुल आप बहुत बताएं. या मैंने आई सेंट थ्री क्लिप टू यू एंड फर्स्ट आई प्लेड अलाप. Alap basically playing for, it's like a starting of something. आप अपने राग के अपने जी अपने राग के बारे में बताइए कि आपने किस राग के बारे में आप हम वहाँ पे please wait. जी जी जी. So मैंने राग देश चुना था. ये seasonable राग जैसा कहा जाता है इसके बारे में. ये बजाने से बारिश हो जाती है. So monsoon आ गई है. So that's why I played this. तो दिल्ली में काफी दिन से हो भी नहीं रही थी बारिश तो मैंने इसी वजह से हो भी गई. या शायद इसी वजह से. सो मैंने देश चुना था इसी वजह से कि बारिश हो जाए और हुई भी ऐसा नहीं है. जी कुछ लोग खुश हुए. सो अब हम पीछे बैठते हैं और ऑडियंस के लिए आपका परफॉर्मेंस लगाते हैं. ठीक है. ओके सो इसके बाद अगर आप बताना चाहेंगे या फिर हम लोग एंड में वापस आएंगे. ठीक है. So, अभी ऑडियंस हमने बताया कि परफॉर्मेंस
आप टेंशन मत करो। Thank you.
वाह सुहेल वाह, और वाह भी बहुत छोटा शब्द है, बहुत ही खूबसूरत था आपका परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू, इट्स अ ऑनर एज द पर्सन यू आर लाइक माय प्लेन, थैंक यू सो मच। नहीं पर आपने बहुत ही खूबसूरत बजाया और मुझे इतनी अच्छी इतनी खुशी हो रही है कि हमारे सारे परिक्रमा के दोस्त यहाँ पे आज इस महफिल में हमारे साथ शामिल हैं। और आप मानोगे आप ऑफकोर्स आपके साथ जो तबले पे संगत कर रहे थे उनके बारे में बताइए ज़रूर। और मैं देख रही हूँ शंभुनाथ जी यहाँ पे है और आप मानोगे जैसे मैंने उनका पहला कॉमेंट देखा उस समय से मुझे उनका तबला और आपकी वायलिन के साथ सुनाई दे रहा था साथ के साथ, बिकॉज आई कैन इमेजिन कि कितना पावर आएगा इसके अंदर। और अभी भी आज बहुत खूबसूरत था, तो थोड़ा सा बताइए आप आपके साथ जो संगत कर रहे थे उनके बारे में भी और फिर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, किस उम्र से आपने सीखना शुरू किया और किससे सीखना शुरू किया, थोड़ा सा बताएं अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में। या जो तबला प्लेयर था ही इज माय यंगर ब्रदर अरबाज। ओह अच्छा, सो ये वो वायलिन भी बजाता है, तबला भी, काफी इंस्ट्रूमेंट बजाता है वो। तो मैंने कहा भाई एक कॉन्सर्ट है वर्चुअली मेरे साथ बजा लो, मैंने कहा ठीक है, वैसे आजकल काफी बिजी रहता हूँ, मैंने कहा आ जाऊंगा तो आ गया। वेरी गुड, सो आप अपना घराने के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आपके गुरु कौन थे, आपने किससे सीखा संगीत? मैंने अपने फादर से सीखना शुरू किया था जब मेरी उम्र होगी 6-7 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था सीखना। वैसे तो घर में था सब कुछ माहौल, वायलिन इधर उधर, पता ही नहीं था क्या चीज है, खिलौना समझ के खेलता था इसके साथ। होता बच्चा किसी चीज से जुड़ जाता तो उसको खेलने लगता तो उसको ऑब्जर्व करने लगता तो पता चलता है फिर बाद में क्या चीज है। अब मैं इतना खेलने लगा उसके साथ की उसे बजाने लगा और ऐसा बजाने लगा कि लोग हैरत करने लगे, अरे इसको तो वायलिनिस्ट ही बनाओ, कि ऐसा हुआ। तो आपके पिता एक तरीके से आपके पिता ही आपके पहले गुरु थे? या वो मेरे पहले गुरु थे एंड ही एक्सपायर्ड इन 2015। ओह अच्छा, तो उसके बाद आपने उसके किसी और मैंने फिर उस्ताद शाहिद परवेज खान साहब से शुरू किया फिर अभी रिसेंटली। तो अब आप उनसे सीख रहे हैं? जी उनसे भी सीख रहा हूँ मैं। और बाकी देखिए सीखना तो ये ऐसी चीज का आती है, म्यूजिक कहीं से भी आप सीख सकते हो, किसी को देख के सीख सकते हो, किसी का सुन के, तो सुन सुन के भी काफी लोगों को सीख पाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जैसे कि शिव जी, राज खान साहब जी। नहीं आप आपके आपके बजाने के स्टाइल में और जो आपकी जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं बहुत ही खूबसूरत है। और इनफैक्ट आज आपका कॉन्सर्ट सुनने के बाद मैं यही कह सकती हूँ कि अब हम लोग बहुत बहुत होप आता है हमारे में कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल सही हाथों में जा रहा है और बिल्कुल सही राह पे चल रहा है। और आप जैसे और भी अच्छी बात है, आप जैसे लोग उसको दिखाने को देखिए। नहीं हम लोग तो है मतलब अगर आप इतना अच्छा बजाते तो हम लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आगे की जनरेशन इस म्यूजिक जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसको ले, बिकॉज हमको सबको मालूम है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक फाउंडेशन है हर संगीत के लिए। एंड सो आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस के अंदर, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कॉमेंट्स हैं वो आप बाद में भी देख सकते हैं। सुबह से अभी ग्रुप बना हुआ हमारा परिक्रमा का, सुबह से उसमें चैट चल रहा है, सब मुझे सपोर्ट कर रहा है, सुबीर मलिक जी, नितिन मलिक भाई और भी लोग हैं, सब वही जुड़े हुए थे, मैं देख रहा था, काफी सब प्यार करते हैं मुझसे। वो दिख ही रहा है, सुबीर भी यहाँ पे शुरू से हैं, नितिन भी हैं, अंकित भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे, इनफैक्ट सभी लोग हैं। एंड इनफैक्ट पराग सर भी है, नरेंद्र सर भी है और हमारे रेगुलर लिसनर्स में भी और ऑडियंस में भी अलका है और डीपीएस के हैं और बहुत लोग और भी जो जुड़े हैं और आर्टिस्ट कुछ जुड़े हैं हमारे साथ। सो सबसे अच्छी बात है कि आई वुड लाइक टू थैंक्स देम जी। सो ऑडियंस का ऑफकोर्स थैंक करते हैं और नीचे आपकी हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, अगर कोई भी सुहेल से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो प्लीज सुहेल से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो वर्चुअल इवेंट्स करता है, कर सकता है। और सिवाय कि इस समय थोड़ा सा उसका नेटवर्क खराब है सो उसको स्टूडियो में जाना पड़ेगा लाइव वर्चुअल इवेंट के लिए, लेकिन रिकॉर्डेड ऐसे कर सकता है। बोलो। थोड़ा बारिश की वजह से हो जाता कभी कभी। हाँ
सो इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास है जो कि आप स्पेशली आज के इवेंट के लिए आपने किया है. एंड सो इतने आपके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो आप बाद में फिर फेसबुक पे जाके आप उनको थैंक यू कर सकते हैं. पराग सर का पराग सर का कॉम्प्लीमेंट मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज जब एक ऐसे इंसान जो म्यूजिक में बहुत माहिर है वो कुछ कहते हैं, सो एंजॉय द साउंड ऑफ द वायलिन व्हिच हैज इफेक्ट व्हिच हैज बीन इफेक्टिवली प्लेड बाय सुहेल. ब्यूटीफुल. थैंक यू पराग, थैंक यू सो मच. So all the best, Suhail. Hopefully agli bari hum aapko live dikha payenge ya live dekh bhi payenge. And we wish you the very best. Bas riyaz karte rahiye aur khoob acche acche hume sunate rahiye. Theek hai? And a big thank you to you. A big thank you to our audience for having joined us today. And thank you very much. Next Wednesday, we just might be taking a break because our artist for next Wednesday has had an emergency. So we just might be taking a break, but just still follow us on our socials. If everything works out, we may have an announcement on Monday. And thereafter, following Wednesday onwards, again, we'll be back. So until then, take care of yourselves. Stay away from the COVID third wave. Do not let it enter our homes. All the best. You too. So take care and all the best to everyone and all the best. And thank you to Naina and Rajshri for handing everything backstage. So thank you, everyone. Thank you to the audience and good night. Good night. Bye.